दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रिमूव डॉट बीजी वेबसाइट से अनलिमिटेड बैकग्राउंड कट एचडी इमेज डाउनलोड कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी आपने देखा होगा रिमूव डॉट बीजी वेबसाइट पर जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपको केवल एक क्रेडिट मिलता है और एक क्रेडिट में हम केवल एक ही इमेज जो है वो एचडी में डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके। यदि आप ज़्यादा इमेज वहाँ से डाउनलोड करते हैं तो फ्रेंड्स वह इमेज एचडी में नहीं आएगी, थोड़ी ब्लर हो जाती है, धुंधली हो जाती है। इसीलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा फ्रेंड्स, इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप अनलिमिटेड फोटोज जो है वो एचडी में डाउनलोड कर सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव करके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं हेल्प की दुनिया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों रिमूव बीजी वेबसाइट से अनलिमिटेड बैकग्राउंड कट एचडी फोटो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है और उसके एक टैब में आपको जो है वो रिमूव बीजी वेबसाइट ओपन कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं रिमूव बीजी वेबसाइट को ओपन कर लेता हूँ और फ्रेंड्स अब आपको दूसरा टैब जो है वो लेना है। तो चलिए यहाँ पर मैं दूसरा टैब ले लेता हूँ और दूसरे टैब में आपको एक वेबसाइट जो है वो ओपन करना है ईमेल जनरेटर में। इसका नाम आपको बता देता हूँ, ईमेल जनरेटर। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो देखिए गूगल सर्च हमारे सामने इस प्रकार से आ जाता है और यहाँ पर पहली वाली वेबसाइट जनरेटर डॉट ईमेल ही हमें ओपन करना है। तो चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इस वेबसाइट का इंटरफेस हमारे सामने इस प्रकार से आ जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जनरेट न्यू ईमेल पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे एक नया ईमेल अकाउंट हमारे सामने यहाँ पर बॉक्स में आ जाता है और फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करके इस ईमेल को कॉपी कर लेना है। और अब चलिए हम चलते हैं फिर से उसी टैब पर रिमूव बीजी वाले पर। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं फ्रेंड्स, थ्री लाइन पर ऊपर राइट साइड कोने में हमें क्लिक करना है और यहाँ पर लॉग इन एंड साइन अप पर हमें क्लिक कर देना है। तो चलिए इस पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब हमारे सामने देखिए यहाँ पर साइनअप और लॉगिन करने के लिए इंटरफेस आ चुका है। तो यहाँ पर हमें साइनअप वाले टैब पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स अब हमें यहाँ पर जीमेल जो है वो पेस्ट कर देना है। देखिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है, जो ईमेल अकाउंट अभी हमने कॉपी किया था उसे यहाँ पर डाल दिया है। अब यहाँ पर हमें एक 6 करेक्टर का पासवर्ड जो है वो बनाना है। फ्रेंड्स पासवर्ड में हो सके तो आपको कुछ कैपिटल लेटर, कुछ स्मॉल लेटर, कुछ स्पेशल करेक्टर और कुछ नंबर भी यूज करना है। तो चलिए यहाँ पर मैं पासवर्ड बना लेता हूँ जल्दी से और कंफर्म पासवर्ड में भी पासवर्ड डाल दूंगा। तो यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया है, देखिए ऊपर भी और कंफर्मेशन में भी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हमें आई एग्री वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद साइनअप पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम साइनअप पर क्लिक करेंगे आप फ्रेंड्स इस ईमेल पर एक मेल सेंड हो जाएगा। तो चलिए हम उसी टैब पर चलते हैं ईमेल जनरेटर वाले पर और यहाँ पर चेक कर लेते हैं मेल आया है या नहीं। तो फ्रेंड्स अभी तक मेल यहाँ पर नहीं आया है तो यहाँ पर हमें रिफ्रेश पर क्लिक करना होगा। रिफ्रेश पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मेल हमारे पास आ जाएगा। देखिए यहाँ पर मेल आ चुका है रिमूव बीजी वेबसाइट की ओर से, हमें जो है वो यहाँ पर अकाउंट को एक्टिवेट करना है एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक करके। तो चलिए यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स हमारा अकाउंट यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हमें एक क्रेडिट भी मिल जाता है जो कि हम एचडी में बैकग्राउंड रिमूव करके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आपको हर बार एक नया अकाउंट बनाना है और फोटो को जो है वो डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर हम रिमूव बीजी वाले टैब पर चलते हैं। तो यहाँ पर आ चुके हैं हम रिमूव बीजी वाले टैब पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट एक्टिवेट हो चुका है, साइन इन सक्सेसफुली भी हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम इमेज को जो है वो अपलोड करके बैकग्राउंड कट कर लेते हैं। अपलोड एन इमेज पर क्लिक करके आप चाहें तो थ्री लाइन पर क्लिक करके भी अपलोड वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम जल्दी से एक इमेज को अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं इस इमेज को ले लेता हूँ। इमेज को लेने के बाद डन पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर अपलोडिंग होगी और बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। नीचे ऑप्शन मिल जाता है डाउनलोड एचडी का, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स अभी हमारे पास एक क्रेडिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हम फुल इमेज को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं यानी कि एचडी में। तो हम नीचे डाउनलोड पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर प्रोसेसिंग हो रही है और अब यह इमेज डाउनलोड हो जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज डाउनलोड हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पर मैं इमेज आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इमेज जो है वो बिल्कुल एचडी में कट हुई है। इसका बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल एचडी में कटा हुआ है, कोई भी यहाँ पर डिसबैलेंस नहीं है, बहुत ही अच्छे से इसका बैकग्राउंड जो है वो कट चुका है। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप जो है वो अनलिमिटेड फोटो को
यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं HD में बैकग्राउंड कट करके, क्योंकि फ्रेंड्स आपको हर बार एक नया अकाउंट बनाना है ईमेल जनरेटर वेबसाइट पर जाकर। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर हम इसी टैब पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम बैक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम ईमेल जनरेट दूसरा भी कर सकते हैं, देखिए जनरेट न्यू ईमेल पर क्लिक करके हम यहाँ से फिर से एक नया ईमेल जो है वो जनरेट कर सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है कि बहुत सारे लोग इस वेबसाइट को यूज कर रहे होते हैं तो वही ईमेल अकाउंट जो है वो कोई और यूज कर रहा होता है, तो कई बार एरर हो जाता है। तो आपको फिर से एक नया ईमेल जो है वो जनरेट कर लेना है और remove.bg वेबसाइट पर जाकर आपको एक नया अकाउंट बना लेना है। एक नया क्रेडिट मिल जाता है आपको हर नए अकाउंट पर, तो आपको हर बार एक नया अकाउंट बनाना है और इमेज का बैकग्राउंड जो है वो HD में कट कर लेना है और डाउनलोड कर लेना है। और इसी प्रकार से फ्रेंड्स आप जो है वो किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और उस फोटो को HD में डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ आई होगी, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।